अंडा करी हम सभी घर पे बनाते हैं, पर ढाबे में जो हम अंडा करी खाते हैं उसका टेस्ट कुछ अलग ही होता है। आज हम उसी की रेसिपी आपको दिखाने वाले हैं, तो चलिए जल्दी से ढाबा स्टाइल अंडा करी की रेसिपी देख लेते हैं। यहाँ पे हमने 6 अंडे लिए हैं। अंडों को हमने उबाल लिया है। एक टूथपिक का इस्तेमाल करके हम अंडों में ऐसे प्रिक कर देंगे ताकि इसमें मसाला अच्छे से घुस जाए, वरना ग्रेवी कितना भी टेस्टी हो अंडों का टेस्ट बहुत ही डल रह जाता है। एक कढ़ाई में हमने तेल गरम किया है। यहाँ पे हम देंगे पहले आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और थोड़ा सा आधा चम्मच जितना नमक देंगे। इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। पहले फ्लेम को हमने यहाँ पे मीडियम पे रखा है। हम अंडों को पहले थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, तो तेल गरम है। एक एक करके हम अंडे इसमें डाल देंगे। अंडों को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है हमें, तेल बहुत ही गरम था। तो ये देखिए एक साइड से ऑलरेडी ये थोड़ा फ्राई हो गया है, बस पलट के दूसरा साइड हम फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा फ्राई करने से अंडे रबरी हो जाएंगे। बस दोनों साइड से हम इसे थोड़ा थोड़ा करके फ्राई कर लेंगे। ये देखिए चारों तरफ से अंडे फ्राई हो गए हैं, तो इसे हम अभी उठा लेंगे। अब इसी कढ़ाई में हम बाकी का प्रोसेस भी करेंगे। तेल ऑलरेडी है। यहाँ पे हमने लिया है 2 लौंग, थोड़ा सा दालचीनी और 2 इलायची। इसे हम तेल में देंगे और हल्के से तल लेंगे। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। हम मीडियम फ्लेम में इसे तलेंगे। 30 से 40 सेकेंड में ही बहुत ही अच्छा फ्लेवर आने लगा है। तो अभी हम इसमें देंगे प्याज। 2 मीडियम साइज़ के प्याज हमने चॉप कर लिया है। प्याज हमने पहले दिया है क्योंकि ये तलने में थोड़ा ज़्यादा वक्त लगता है। इसे हम ट्रांसपेरेंट से थोड़ा ज़्यादा यानी हल्का ब्राउनिश हो जाएगा इतना हम इसे तलेंगे। ये देखिए 2 से 2.5 मिनट लगा है ये करने में। अभी हम इसमें देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक और लहसुन हमने एक साथ पेस्ट बना लिया है। 1 बड़ा चम्मच पेस्ट बनाया है हमने। इसे भी हम इसमें मिला देंगे और तल लेंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट को हमें तब तक तलना है जब तक इसका रॉ स्मेल न चला जाए। ये तलने में 1 से 1.5 मिनट लगेगा। 4 हरी मिर्च हमने छोटा छोटा करके काट लिया है। अगर घर पे हम ये बनाएंगे तो इसे हम पेस्ट करके भी दे सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे ढाबा स्टाइल बना रहे हैं तो इसीलिए हमने इसे ऐसे ही छोटा छोटा करके कट करके दिया है। अब यहाँ पे हम देंगे टमाटर का पेस्ट। 2 बड़ा साइज़ का टमाटर हमने ग्राइंड करके लिया है। कोर्स ग्राइंडिंग किया है हमने, यानी मोटा मोटा करके ग्राइंड किया है, वरना ये एकदम वाटरी हो जाएगा तो फिर ग्रेवी अच्छा नहीं होगा। फ्लेम को यहाँ पे हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे। टमाटर देने से यहाँ पे ऑलरेडी पानी बहुत है, तो इसलिए यहाँ पे हम अलग से पानी ऐड नहीं करेंगे। इसी से असली ग्रेवी तैयार होगा, तो इसीलिए इसे हम पकाते रहेंगे और सौते करते रहेंगे हम इसे मीडियम फ्लेम में। 3 से 4 मिनट तक हम इसे सौते करेंगे। ये देखिए कलर थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगा है। तो अब इसमें हम बाकी के मसाले डाल देंगे। यहाँ पे हमने लिया है 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच धनिया पाउडर। दोनों को हमने एक साथ मिला लिया है। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर देंगे और 1 चम्मच हल्दी पाउडर देंगे। काली मिर्च पाउडर भी देंगे 1 चम्मच। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद नहीं है तो थोड़ा कम भी दे सकते हैं। और 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर देंगे। अब इन सारे मसालों को हम इस ग्रेवी के साथ बहुत अच्छे से मिला लेंगे। लो मीडियम फ्लेम में हम इसे सौते करते रहेंगे। इसमें हमने बहुत सारा मसाला डाला है क्योंकि ढाबे में आप किसी भी डिश खाएंगे वहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे मसालों का इस्तेमाल करते हैं वो लोग, तो इसे भी हमें वही टेस्ट देना है। अब हम थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे इसमें स्वाद अनुसार। इसे भी हम मिला लेंगे अच्छे से। ये देखिए मसाला अब ड्राई होने लगा है, तो ये नीचे से जल सकता है, इसलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे। बीच में थोड़ा सा जगह बनाएंगे हम और यहाँ पे थोड़ा सा हम पानी डाल देंगे, आधा कप जितना, और इसे मिला लेंगे। और मीडियम फ्लेम में ही हम इसे सौते करते रहेंगे। इसे हमें तब तक कुक करते रहना है जब तक मसाले से तेल ना निकल जाए, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए थोड़ा टाइम लेके हमें ये करना है। और हम यहाँ पे देंगे 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को हमने हाथ से मसल लिया है। इसे भी हम इसमें मिला देंगे, इससे भी एक बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। तो ये देखिए ग्रेवी का कलर कितना अच्छा आ गया है और ग्रेवी में से ऑलरेडी तेल निकल रहा है। तो हमारी ये ग्रेवी बिल्कुल तैयार है। अब हमें इसे थोड़ा सा पतला करना है, तो इसलिए हम यहाँ पर डाल रहे हैं 2 कप
हल्का गर्म पानी। मसाले को पानी में अच्छे से मिला लेंगे। आप अगर चाहे तो एक कप और पानी डाल सकते हैं, लेकिन हमें इतना ही ग्रेवी चाहिए इसीलिए हम दो कप दे रहे हैं। पानी उबल रहा है, अब हम इसमें एक एक करके उबाले हुए अंडे भी डाल देंगे और अंडों के ऊपर से ग्रेवी लगा देंगे ताकि अंडों के अंदर भी मसाला अच्छे से चला जाए। अब इस ग्रेवी को हमें थोड़ा सा थिक करना है, इसलिए हमने यहाँ पे 10 काजू ग्राइंड करके लिया है, काजू का पाउडर बना लिया है हमने। घर में हमेशा काजू अवेलेबल नहीं होता है तो आप इसके बदले बेसन का यूज़ कर सकते हैं, एक बड़ा चम्मच बेसन। ढाबे में बेसिकली बेसन ही यूज़ करते हैं, लेकिन हमारे पास काजू अभी मौजूद था इसीलिए हमने काजू से बनाया है। इससे ये डिश टेस्टी भी होगी बहुत। ग्रेवी ऑलरेडी थिक हो गया है बहुत, हमें और थिक ग्रेवी नहीं चाहिए। ये देखिए, अगर आपको थोड़ा सा और थिक चाहिए तो आप थोड़ा सा और उबाल सकते हैं इसे। ऊपर से हम धनिया पत्ता डाल देंगे और हल्के हाथों से इसे हल्के से मिला लेंगे और हमारा ये ढाबा स्टाइल अंडा करी बिल्कुल रेडी है। इस डिश को आप ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिए घर पे, आप सबको बहुत बहुत पसंद आएगा। इसे आप रोटी के साथ या फिर स्टीम्ड राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये एक मस्ट ट्राई रेसिपी है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स पे बताइए कि आपको कैसा लगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले रेसिपी के साथ। थैंक यू।